सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए फिर से तैयार हो गई है, लिहाजा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मैंने पहलवानों को उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि पहलवानों ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। दरअसल खेल मंत्री का ये ट्वीट प्रदर्शनकारी पहलवान बजरंग पूनिया के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बताया था 3 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ मुलाकात की थी। पूनिया के अनुसार उस बैठक में गृह मंत्री ने पहलवानों के मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया था। इस बयान के बाद सभी पहलवान 5 जून को रेलवे में अपनी नौकरी पर वापस लौट आए थे। नौकरी द्वारा ज्वाइन करते वक्त विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया ने ट्वीट करके कहा था, हमारे मेडलों को 15-15 रुपये में बताने वाले लोग अब हमारी जॉब के पीछे पड़ गए हैं। अगर हमारे आंदोलन की राह में नौकरी आएगी तो उसे त्यागने में 5 मिनट नहीं लगेंगी। हमें नौकरी का डर मत दिखाइएगा, यह हमारे लिए बहुत ही छोटी चीज़ है। सूत्रों के मुताबिक पहलवानों ने अमित शाह से मुलाकात के दौरान आंदोलन को लेकर चर्चा की थी। बैठक में मौजूद पहलवानों ने कहा था कि महिला उम्मीदवार WFI अध्यक्ष पद संभालने और ब्रजभूषण सिंह के परिवार को कोई भी सदस्य WFI में न हो, इसके साथ ही पहलवान ब्रजभूषण सिंह शरण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे। हालांकि तब तक बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को चर्चा के लिए बुलावा भेजा है। आइए अब जानते हैं कि कब से कब तक पहलवानों का रहा था धरना। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इन पहलवानों ने 23 अप्रैल से 28 मई तक जंतर मंतर पर धरना दिया था। पहलवानों ने 28 मई को जंतर मंतर से नई संसद तक मार्च निकाला था। इसी दिन PM मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया था। ऐसे में पुलिस ने मार्च को अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद भी पहलवानों ने मार्च निकालने की कोशिश की थी तो पुलिस के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की भी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 28 मई को पहलवानों को धरना स्थल से हटा दिया था। वहीं दूसरी तरफ साक्षी मलिक का कहना है कि सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को निभाने को साथ निभा रही हूँ। दरअसल खबरें थीं कि साक्षी मलिक पहलवानों के आंदोलन से पीछे हट गई हैं। हालांकि साक्षी मलिक ने इन खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ की लड़ाई में कोई भी पीछे न हटा है और न हटेगा। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इससे पहले साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने भी आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को गलत बताया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अब तक कितने लोगों के ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से लेकर उनके कार्यालय तक कितने लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की SIT इस मामले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस टीम ने UP के गोंडा जिले में जाकर ब्रजभूषण शरण के सहयोगियों और उनके आवास पर काम करने वाले लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। सरकार का कहना है कि पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार करें, जांच में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहलवान गिरफ्तारी से कम किसी कदम पर तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के ट्वीट के बाद क्या पहलवान बजरंग पूनिया और उनके तमाम सहयोगी सरकार से फिर दोबारा बात करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 3 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद एक बार फिर से अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके पहलवानों से बातचीत करने के लिए कहा है।